हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज की रीडिंग आपको कुछ आइडिया तो है ही, लेकिन थोड़ी डिटेल्स में बात कर लेते हैं। आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली आपको गुस्सा भी है। आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन किस तरह का है। क्या वो मज़े से जी रहे थर्ड पार्टी के साथ? थर्ड पार्टी उनके साथ खुश है या नहीं? चलो आपके पर्सन का तो जो भी है, क्या थर्ड पार्टी उनके साथ खुश है? क्योंकि आपको ये बात का इल्म होना ज़रूरी है कि जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया उसके बाद उनका हाल क्या है, ये जानने का आपको पूरा पूरा हक है। तो आज की रीडिंग बहुत सारे जो एक सीक्रेट्स हैं आपके सामने लाएगी। एक्सपोज होंगे आपके पर्सन के रिलेशंस, और मैं ये ज़रूरी नहीं कहूँगी कि हर रीडिंग में एक्सपोज ही होने वाले हो। भी सकता है उनको अपना असली और सच्चा प्यार वहाँ फील होता हो, ये तो रीडिंग के बाद ही हमको पता चलेगा। तीन पाइल हैं आपके सामने। पाइल वन में ये गोल्डन रिस्ट वॉच, पाइल टू में है ये गले का हार चोकर, गोल्डन चोकर गले का हार, और पाइल थ्री में है ये वर्सेस परफ्यूम। जिस भी पाइल से आपको रिजोनेट इजीली हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। वन में आप देख सकते हैं रिस्ट वॉच, टू में ये गोल्डन नेकलेस या चोकर, थर्ड में ये परफ्यूम है वर्सेस। किसी भी वजह से आपको लगता है आपसे कोई एक पाइल सिलेक्ट नहीं हो रही, कोई बात नहीं, आप सारी रीडिंग्स देख लेना, और जिस रीडिंग से सबसे ज़्यादा आपको कनेक्शन फील हो और रिजोनेशन हो उस पूरी रीडिंग को आप अपनी पाइल समझ लेना। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली होगी, जिन्होंने भी सिलेक्ट करना था, ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल वन गोल्डन रिस्ट वॉच के साथ क्वेश्चन को आप दिल में दोहराएं, उस पर्सन के फेस को इमेजिन कीजिए जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। अगर आपने थर्ड पार्टी को देखा है, आप जानते हैं कौन है, तो आप उनको भी इमेजिन कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने पर्सन को इमेजिन करें तो भी काफी है। क्वेश्चन को आप दिल में दोहराएं ताकि आपको स्पिरिट्स सही गाइडेंस देने में पूरी पूरी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन को आप दिल में दोहराते रहें, पर्सन की इमेज को विजुलाइज करें, उनके फेस को इमेजिन करें। कार्ड्स आपको दिख ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, एट ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, नाइन ऑफ कप्स, मैजिशियन, सिक्स ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स। वाटर साइन का इन्फ्लुएंस काफी दिख रहा है मुझे, और सेकंड है वॉन्ड्स, दैट इज फायर। वाटर एंड फायर साइन का बहुत इन्फ्लुएंस है इस रीडिंग में, तो आप, आपके पर्सन या फिर थर्ड पार्टी इस साइन को बिलोंग कर सकते हैं, ये रीडिंग में आ रहा है। आइए अब एनालाइज करते हैं आपके पर्सन के बारे में। आपके जो पर्सन है ना, बेसिकली बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्ट हैं, खुद से प्यार करते हैं औरों से नहीं करते। अगर वो आपसे नहीं करते तो वो किसी से भी नहीं करते। उनको ना अपनी फैमिली से कोई अटैचमेंट है, ना उनको अपने दोस्तों से, ना अभी थर्ड पार्टी से उनको कोई अटैचमेंट है, ये तो आप साफ समझ ले। एक तो ये जो डेविल कार्ड और फिर ये स्टार एंड देन मैजिशियन, यही अपने आप में काफ़ी कुछ बताता है कि ये पर्सन ज़बरदस्त नार्सिसिस्ट है। इनको अपने आप से अपने फ़ायदा, अपना नुकसान,
बस अपने आप से ही इनको लेना देना है, अपने आप से ही इनको प्यार है। और इस चक्कर में जो इनको अपने आप से इतना एक सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं, तो अपने आप को ये जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, इनका एक मेंटल प्रॉब्लम होता है कि इनको बार बार ये चेक करना अच्छा लगता है कि दूसरे लोग इनमें विलिंगनेस रखते हैं कि नहीं, इनमें इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं, इनके साथ टाइम बिताना पसंद करते हैं कि नहीं। क्योंकि इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, ये खुद पे खुद की वजह से नहीं होता, और लोग इनको कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं उस पर इनका कॉन्फिडेंस लेवल डिपेंड करता है। इसलिए आप कभी भी ये ना सोचे कि जो नार्सिसिस्ट है ना वो बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ से आता है, वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं ऐसे लोग, दूसरों की उनके ऊपर कितनी डिपेंडेंसी है ये चेक करके। अगर उन पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, किसी को उनसे अट्रैक्शन नहीं है फिजिकली, या उनका चेहरा नहीं अच्छा लगता, वो नहीं अच्छे लगते, तो इनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो इनका जो नार्सिसिज्म होता है ना, इसकी जो इससे जो कॉन्फिडेंस इनको मिलता है, ये औरों की अटेंशन की वजह से मिलता है। और ये एक इंसान की अटेंशन से खुश नहीं रह सकते, इनको औरों की अटेंशन कॉन्स्टेंटली चाहिए होती है। और ऐसे लोग जो उनको दिखाते ना कि वो उनसे विलिंग है रिलेशन रखने में, ऐसे लोगों से ये अट्रैक्ट होते ही रहते हैं, क्योंकि इनको बार बार ये चेक करना अच्छा लगता है कितने लोग कितना उनको प्यार करते हैं, कितना उनको टाइम देते हैं, इससे इनको मतलब ही नहीं है। तो इनकी लाइफ में सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ सब पार्टीज होती हैं। इनको अलग अलग लोगों का अटेंशन अच्छा लगता है। एक बात और ऐसे लोगों का ध्यान रखिए कि इनको सेक्सुअल इंटरेक्शन में इतना इंटरेस्ट नहीं भी होगा, ये ज़रूरी नहीं उनको सेक्सुअली वो पर्सन अच्छा लगता है, सिर्फ उनको दूसरे लोगों से इसलिए चेक करना अच्छा लगता है, करवाना अच्छा लगता है कि वो उन पर कितना मरते हैं, कि कितने लोग उनको टाइम देना पसंद करते हैं उनके लिए। जैसे वो बात करते हैं ना, तेरे लिए मैं सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, ये बातों से ही बहुत इनको अच्छा लगता है, और ऐसी बातों से ही इनका कॉन्फिडेंस राइज होता है। तो जो नार्सिसिस्ट पर्सन है उसको सेक्सुअल इंक्लिनेशन इतना नहीं होता, इनके अंदर सेक्स का कीड़ा इतना नहीं है। अगर आप ये सोचते ना कि सेक्सुअली इन्वॉल्व होने के लिए वहाँ गए, ऐसा नहीं होता। इनको बस लोगों की अटेंशन से और अलग अलग लोगों की अटेंशन से ही कॉन्फिडेंस मिलता है, उससे इनको एनर्जी मिलती है, और ये ऐसा करते ही रहते हैं जब तक कि उनको कोई स्टेबिलिटी ना मिल जाए लाइफ में। अगर आप में इतनी मैच्योरिटी होगी तो आप वो स्टेबिलिटी उनके अंदर ले आएंगे, और अगर आप में वो नहीं होगी तो जहाँ उनको इस तरह की स्टेबिलिटी फील होगी, जब उनको ये समझ आएगा कि इनका जो ये नार्सिसिज्म है ये बेमायना है, ऐसे तो लोग इनको बल्कि यूज़ करके निकल जाएंगे, ये किसी को यूज़ नहीं कर सकते, ये सेल्फिश होते हैं बस एनर्जी सक करने के लिए, औरों की अटेंशन सक करने के लिए, इनका अपना कोई मकसद इसमें पूरा ही नहीं होता, और ये सोचते हैं ये बड़े 30 मार खाएं। तो नार्सिसिस्ट लोगों की जो एक बात आज आपको शायद समझ आई है कि ये कॉन्फिडेंट लोग बिल्कुल नहीं होते, जो आप देखते हैं ना ये बहुत सधज के घूमते हैं, लोगों के अटेंशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पसंद करते हैं, उसकी वजह यही है कि उनको अगर कोई उनको नहीं देखेगा, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देखेगा, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म। तो हो सकता है जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहे इतना टाइम, तो आप इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और नॉर्मल है किसी भी रिलेशनशिप में एक पॉइंट के बाद आप सामने वाले पर्सन को टेकन फॉर ग्रांटेड इसलिए भी लेते हैं कि आप फैमिलियर इतने हो जाते हैं, वहाँ इनके इश्यूज शुरू होते हैं, कि उनको ये लगता है अब उनके दिल में ये आया होगा आपको लेकर कि इसको मुझ में वो इंटरेस्ट नहीं रहा जो इसको पहले था। ये इनके अपने ही दिमाग की सोच है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, और ये इनको प्रॉब्लम हर जगह आएगी, थर्ड पार्टी के साथ भी आएगी, फोर्थ पार्टी के साथ भी आएगी, जब तक कि मैंने कहा आपको कोई ऐसा स्टेबल रिलेशन उनकी लाइफ में जब तक नहीं आता कि वो इंसान इनको ये समझाए कि ये उसकी बीमारी है, ये नार्सिसिज्म उसकी बीमारी है, कोई अचीवमेंट नहीं है, और ये इसको कमज़ोर बना रहा है। क्योंकि जब तक नार्सिसिस्ट को देखने वाले, निहारने वाले, अप्रिशिएट करने वाले मिलते हैं, तब तक ही उनका कॉन्फिडेंस रहता है, वो सब गया तो कॉन्फिडेंस भी गया। फिलहाल थर्ड पार्टी के साथ इनका क्या चल रहा है वो हम एनालाइज करते हैं। थर्ड पार्टी के साथ ये फिलहाल तो बस उसी लेवल पे है कि उसको चाहते कि वो पूरा अटेंशन इनको ही देती रहे थर्ड पार्टी, लेकिन थर्ड पार्टी के भी अपने कुछ मसले हैं, अपने कुछ मिसाइल हैं जिसमें वो ध्यान देना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 7 of Cups, वो पर्सन को और एवेन्यूज उस पर ध्यान देना है, उसको लाइफ में और भी बहुत कुछ करना है, लेकिन आपके पर्सन का जो नार्सिसिस्ट बिहेवियर है ना कि हर वक्त मुझ पे ही अटेंशन होना चाहिए, ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं,
हर वक्त आपका ध्यान मुझ पर ही होना चाहिए। उसकी वजह से ये जो पर्सन है, कभी कभी इनको भी दिल करता है कि ये कुछ सुना दें आपके पर्सन को या इनको छोड़ छाड़ के भाग जाएं। भाग जाएं इन द सेंस ये नहीं कि उनको धोखा दे, पर वो आपके पर्सन की ये जो नार्सिसिस्ट हैबिट्स है ना, उससे अब परेशान होना शुरू हो गए हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब हम अभी ये नहीं निकाल सकते कि वो आपके पर्सन को छोड़ देंगे। हो सकता है अभी वो परेशान होकर दूर होना चाहते हैं, हो सकता है ये पर्सन आगे जाके उनको स्टेबलाइज कर दे, हो सकता है इन दोनों का रिलेशन भी ख़त्म हो जाए और आपके पर्सन किसी और से इन्वॉल्व हो जाए या फिर आपके पास ही आ जाए। कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि मैंने जितना कवर किया है उतना मैंने आपको बता दिया है कि ये बेसिकली नार्सिसिस्ट इंसान है। लोगों की अटेंशन से ही इनका कॉन्फिडेंस लेवल है। जिस दिन लोगों ने इनको ध्यान देना छोड़ दिया, इन पर तवज्जो देना छोड़ दिया, इनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा और तब ये बहुत कुछ रियलाइज़ करने वाले हैं। लेकिन तब तक हो सकता है आपको इनकी ज़रूरत ना रहे, या जिनके लिए अभी वो आपको छोड़ के गए हैं या आपसे दूर हुए हैं, उस इंसान को इनकी कोई वैल्यू ना रहे, कुछ भी हो सकता है। तो ये बेसिकली उनके नेचर की ही प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा आगे जाके फेस करने वाले हैं। और फिलहाल इश्यूज शुरू हो तो गए हैं उनमें और थर्ड पार्टी में, कि थर्ड पार्टी को और चीज़ों पर ध्यान देना है। वो कितनी देर इनको ही निहारते रहेंगे या इनकी ही तारीफ़ करते रहेंगे, औरों को और काम भी होते हैं। नार्सिसिस्ट को सिर्फ एक ही काम होता है कि वो ही है, जो भी है वही है, दुनिया में और कुछ है ही नहीं आसपास, ऐसा इनको वहम होता है। और ये वहम हर किसी को नहीं होता जो नार्सिसिस्ट नहीं होता। तो इस तरह के इश्यूज तो उन दोनों में शुरू हो भी गए हैं, लेकिन देखिए आगे हम जब नेक्स्ट टाइम रीडिंग करेंगे तब तक क्या आता है एनर्जी में देखेंगे। फिलहाल ये सिचुएशन है आप में और आपके पर्सन में, सॉरी आपके पर्सन में और थर्ड पार्टी में, आप में नहीं। तो वो दोनों में भी थोड़े इश्यूज अब ऑलरेडी शुरू हो गए, देखी जाएगी आगे क्या होगा। नेक्स्ट फ्यू डेज में वापस रीडिंग करूंगी और एनर्जी चेक हम करेंगे, और फिलहाल यही है दोनों में प्रॉब्लम्स शुरू हो चुके हैं। तो पाइल वन आपका रीडिंग हो गया कंप्लीट, आपको पता चल गया आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के बीच में इस वक्त हालात कैसे और क्या हैं। अब हम लेंगे पाइल टू। फिर से मैं आपको वही कहूंगी, अगर आप थर्ड पार्टी को भी जानते हैं, उनको देखा है, उनके फेस को भी इमेजिन कीजिए, अपने पर्सन के फेस को इमेजिन करते ये क्वेश्चन पूछिए कि इस वक्त उन दोनों के बीच में क्या हालात हैं, क्या चल रहा है। इज ऑल वेल कि इज ऑल नॉट वेल, और डेफिनेटली हम यही चाहेंगे कि नॉट वेल ही होना चाहिए दोनों के बीच में। हम कोई सत्यवादी तो नहीं है कि ऐसा चाहेंगे कि दोनों में सब अच्छा हो, कोई आपके इंसान को चुरा के ले गया है। हाँ, आपके इंसान की भी डेफिनेटली गलती है, तो हम चाहेंगे दोनों को ही थोड़ी बहुत सजा मिले। पाइल टू, ये चोकर या नेकलेस गोल्डन, आइए देखते हैं आपके कार्ड्स। कार्ड्स आए हैं आपके पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, एट ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, अगेन रिपीट हुई है कुछ एनर्जीज, टू ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, ये कार्ड्स आपके आए हैं। और अगर साइंस में बोलूँ कौन सी है, तो फायर साइन का बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस है, और सेकेंड वाटर, फायर एंड वाटर, आई थिंक फर्स्ट में भी शायद यही था, नहीं फर्स्ट में एयर भी था, इसमें फायर एंड वाटर का बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है। एनालाइज करते हैं अब आपकी रीडिंग को। आपके जो पर्सन है, मुझे उनकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है वो ये है, बहुत ही एरोगेंट रहे होंगे आपके पर्सन, एरोगेंट बहुत ज़्यादा, नो आई एम समथिंग, और ये जो होता ना, ये नार्सिसिस्ट नहीं होते, ये एरोगेंट होते हैं। ये लोग एरोगेंट किस हिसाब से, कि इनको लगता है इन्होंने जो कहा वो बस पत्थर की लकीर ही होना चाहिए, और उसमें अगर आप अपने व्यू पॉइंट रखते हैं, अपनी
कुछ सजेशंस रखते हैं ऐसे लोगों के सामने, अपना कोई ओपिनियन रखते हैं, इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि ये सोचते हैं इनकी जितनी अक्ल है उतनी दुनिया में और किसी के पास है ही नहीं। तो ये एक तरह का मेंटल नार्सिसिज्म होगा, ये मैं ज़रूर कहूँगी। एक नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो लुक्स को लेकर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट अपने आप को शो करते हैं। एक होते हैं मेंटल नार्सिसिस्ट, उनको अपने दिमाग पे इतना ज़्यादा भरोसा होता है, गलत बात नहीं है भरोसा होना, लेकिन मैं ये कहूँगी इनको गलत फहमी होती है, भरोसा से ज़्यादा मैं कहूँगी इनको ये गलत फहमी होती है कि जो सोचते हैं, जो समझते हैं और जो ये डिसाइड करते हैं और जो डिसीजन दे देते हैं, सबको बस वही मानना है, किसी को इसके अलावा कोई डिसीजन नहीं लेने का हक होता। ऐसी इनकी जो नेचर है ये आपको दिखती है, एक एम्परर, पेज ऑफ वॉन्ड्स और ये स्ट्रेंथ कार्ड डेफिनेटली शो करता है। ये बहुत एरोगेंट है, ये सोचते हैं हर चीज़ इनके कंट्रोल में है, कोई ऐसा नहीं है जो इनके सामने ज़रा भी अक्ल रखता है। और इसमें अगर आपने ज़रूर ऐसा किया होगा कई केसेस में, कई इंस्टेंसेस में आपने अपने दिमाग का भी इस्तेमाल किया होगा इनके सामने, इनको बताया होगा नहीं आप जो कहते हैं ये गलत है, आप जो ऐसा सोच रहे हैं ये गलत है, और ये होता है जो उनको चुभता है ऐसे लोगों को। एरोगेंस की ये भी एक अजीब सी मेंटल बीमारी होती है, जिसमें एक बार इंसान को फंस जाए ना उस बीमारी में, तो उसका निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और जैसे जैसे इनकी एज होती रहेगी ना, ये और भी ऐसे पागलपन और भी करेंगे, अभी तो चलो इतना ही है, आगे जाके ये किसी भी हद तक जाते हैं अपने आप को सही साबित करने के लिए। इस तरह के ये लोग होते हैं। तो आपके पर्सन का बेसिक जो इश्यू है ना, वो है बीइंग वेरी वेरी एरोगेंट, बहुत एरोगेंट है, किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझते मानसिक स्तर पे। फिजिकली आप कैसे दिखते हैं, किसी का अपीरियंस क्या है, इससे इनको कोई लेना देना नहीं, ये किसी से प्रभावित नहीं होते उनके लुक्स से, ये लोगों से प्रभावित होते हैं उनके विचारों से। प्रभावित तो हो जाते हैं, लेकिन जब वही विचारशील लोग अपने विचार इनके सामने रखते हैं तब इनको प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। इनको लगता है हाउ डेयर यू, मेरे किसी भी डिसीजन के सामने आपने अपना डिसीजन क्यों रखा, मुझे गलत क्यों कहा, ऐसा इनको बेसिकली इश्यू होता है। तो आपके पर्सन का ये प्रॉब्लम है और इसी वजह से ये थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट हुए, क्योंकि आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया होगा जो उनको अच्छा नहीं लगा होगा, और थर्ड पार्टी ने बहुत चालाकी से इनके सामने सरेंडर किया हुआ है। मतलब आपके पर्सन को ये ऐसा दिखाते हैं, ये कुछ भी कहते होंगे, ऐसा नहीं कहते नहीं होंगे, अपना दिमाग नहीं लगाते होंगे, पर जहाँ इन्होंने देखा कि आपके पर्सन का गुस्सा आया उनको या उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो बात को संभाल लेते हैं थर्ड पार्टी, और इस तरह का एक माहौल बना देते हैं कि नहीं नहीं मैंने तो यूं ही कहा था, आप जो कहते हैं वो तो ज़्यादा अक्लमंदी की बात है। इस तरह से करने की वजह से आपके पर्सन का जो उनकी तरफ झुकाव है ना, वो अभी कायम है। मतलब अभी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में इश्यूज मुझे नहीं दिख रहे, उसकी वजह है कि थर्ड पार्टी बहुत ही चालाक है। हो सकता है इनोसेंटली भी वो ऐसा एक्सेप्ट कर लेते हो उनकी जो ओपिनियंस को, उनके सजेशंस को, उनके डिसीजंस को, लेकिन दिख मुझे यही रहा है कि थर्ड पार्टी उनके सामने अपना दिमाग लगाते ही नहीं है, अपना दिमाग वो चलाते ही नहीं, आपके पर्सन जो बोल दे उसको ही फाइनल बोल के वो सोचते चलो ना जिंदगी तो निकल रही है। इस तरह से अपने आप को उन्होंने सरेंडर करके रखा है, और जिसकी वजह से आपके पर्सन को खूब हरियाली नज़र आती है। वहाँ बोलते ना दूर के ढोल सुहावने, ब्लू आर द हिल्स विच आर फार फ्रॉम अस। तो अभी तो इनका रिलेशनशिप अगर बहुत पुराना नहीं हुआ तो भी ये थर्ड पार्टी शायद इतना सरेंडर करती है, हो सकता अगर काफ़ी पुराना भी हो चुका है तो थर्ड पार्टी ने ये नुस्खा समझ लिया है कि इस इंसान के साथ अगर रहना है तो मुझे ऐसे ही अपने अक्ल को साइड पर रख देना अच्छा है, ये भले चलाता रहे या चलाती रहे मेरा क्या, जब कोई बड़ी बात होगी तब देखी जाएगी। तो फिलहाल तो इन्होंने आपके पर्सन को पूरी पूरी छूट दे चुकी है, दे दी है कि तुम अपना दिमाग जितना इस्तेमाल करना है करो, अपनी कितनी भी तारीफ करवानी है अपने दिमाग की मुझसे करवा लो, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही चीज़ होती है कई बार फ्रेंड्स, आप लोग सोचते हैं ना कि आपके पर्सन आपसे आगे कहीं और क्यों गए, तो बस यही होता है जो बाद में हम बैठ के अगर हमको नहीं पछताएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके दिल में कहीं ना कहीं कसक तो है कि आपके पर्सन आपके पास आ जाएं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको रिलेशन को फिर संभालना आना चाहिए, ये नहीं कि आप गलत हैं, वो गलत हैं, लेकिन अगर आप उनके बिना नहीं रह सकते, उस इंसान के बिना नहीं रह सकते, मुश्किल है आपके लिए आगे बढ़ना, तो फिर ये अक्लमंदी रखिए जैसे ये लोग रखते हैं, थर्ड पार्टी जो रखती है। इस तरह से आपको रिलेशनशिप को संभालना आना चाहिए कि आपके पर्सन
धीरे धीरे आप पे इतने डिपेंडेंट हो जाने चाहिए कि फिर जब आप फाइनली कुछ बोलना शुरू करते हैं वो इजीली एक्सेप्ट करते हैं। रिलेशनशिप के एक स्टेज तक आपको ऐसे लोगों के साथ डील करना आना चाहिए, उनकी हाँ में थोड़ा बहुत हाँ मिलाना आना चाहिए, अगर आप उनके बिना नहीं रह सकते। मैं साफ कह रही हूँ, हाँ अगर आप उन लोगों में से कि आपका अपना ही वजूद इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रांग है कि आपको ये ज़रूरी लगता है कि आपकी जो स्टैंडिंग है वो कायम रहे रिलेशनशिप में, सामने वाले को जाना है तो जाए, तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। लेकिन अगर आपको फिर तकलीफ होती है उनके निकल जाने के बाद, तो आपको ये हुनर आना चाहिए कि आपको कैसे उनको संभाल कर रखना है, जो ये सेकेंड रीडिंग में मुझे थर्ड पार्टी में बहुत बखूबी दिख रही है। बहुत चालाक है, चालाक हो सकता है इनोसेंटली कैसे भी, लेकिन उन्होंने आपके पर्सन के सामने सरेंडर करके उनको अपने हाथ में मुट्ठी में मस्त तरीके से रखा हुआ है। आपके पर्सन यहाँ सोच रहे ना वो ज़्यादा अक्लमंद है, मुझे तो थर्ड पार्टी उनसे भी ज़्यादा स्मार्ट दिख रही है, जो बड़े चालाकी से आपके पर्सन को अपने हत्थे पे चढ़ाकर रखा है। तो हो गई सेकंड पाइल की रीडिंग कंप्लीट। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का क्या हाल है, किस तरह का उनका रिलेशन है इस वक्त? अब हम लेंगे पाइल थ्री वर्सेस परफ्यूम। देखिए आपके कार्ड्स पाइल थ्री, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सन, वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड दैट इज एयर साइन कप, जबरदस्त इन्फ्लुएंस है इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा, और कुछ हद तक सेकेंड में बोलूँगी वाटर साइन कप्स है। तो वाटर एंड एयर साइन का, एयर का तो बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है। तो आप तीन पार्टीज जो ये दे जिसको आप देख रहे हैं, आप अपने लिए, अपने पर्सन और थर्ड पार्टी, तीनों में से कोई एक साइन को बिलोंग कर सकते हैं। आइए एनालाइज करें। आपके पर्सन का जो नेचर है वो मुझे दिख रहा है रीडिंग से, ये पॉलीगैमस हैं, मतलब ये एक इंसान से कभी भी सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, तो ये भी इसका कुछ नहीं इलाज होता, कोई इलाज नहीं होता इस चीज़ का, ये ज़बरदस्त पॉलीगैमस है नेचर से। ये जो कार्ड्स है ना, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट, फिर ये सन एंड द वर्ल्ड, एक तो ये कार्ड्स, उसके अलावा एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉरी एस ऑफ कप्स, ये कार्ड से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि ये पर्सन, इसको फ्लाइट बहुत अच्छी लगती है। फ्लाइट मैं वो नहीं कह रही हूँ एयरप्लेन की फ्लाइट, एक्सप्लोर करना, नए नए रिलेशंस को एक्सप्लोर करना, और इमोशनल लेवल पे बिल्कुल नहीं, इमोशनली तो शायद वो आपसे ही एंगेज होंगे, कहीं ना कहीं इमोशनली आपसे ही जुड़े होंगे, लेकिन ऐसे लोगों को एक पर्सन से कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता, और सेक्शुअली नॉट इमोशनली, इमोशनली ये लोग एक ही इंसान से बंधे होते हैं, हमेशा ये बात को याद रखिए, जो पॉलीगैमस होते हैं इमोशनल लेवल पे ये किसी एक के ही होते हैं, लेकिन ये लोग फिजिकल लेवल पे बहुत रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। इतने सारे कार्ड्स हैं इनके लिए, तो मतलब ये तो बेहद ही मनचले किस्म के, मस्खरे किस्म के इंसान हैं, मैं ऐसा आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये जो मुझे दिख रहा है मैं आपको बता रही हूँ, इनको रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करने का बहुत मज़ा आता है। ये इनकी अजीब सी एक फिज़िकल नीड होती है जिसको, जो मैं बोलूँगी 40-45 पे जाके ही ये स्टेबल होते हैं, तब तक इनका ये नेचर रहता ही है, उसके बाद भी कई लोगों का रहता है, लेकिन 40-45 तक तो अगर आप इनके साथ लाइफ बिताने की सोच रहे हैं तो ये बर्दाश्त करने की हिम्मत रखिए।
हाँ, ऐसे लोगों को अगर आप रोक टोक नहीं करेंगे, बिल्कुल, ये आपकी प्रेजेंस में औरों की तारीफ़ करना, अपोजिट जेंडर की, ये सब इनको कभी भी नहीं फील होगा, ये बिंदास करेंगे, क्योंकि ये इनकी नेचर ही होती है। और हो सकता है इसी वजह से आप लोगों में इश्यूज़ क्रिएट हुए, आप लोगों में दूरियाँ आई, और हो सकता है आपकी ये जो आप जो ये बंधन डालना चाहते थे उन पे, उनकी इस नेचर की वजह से उनको बुरा लगा। आप बिल्कुल सही कर रहे थे, लेकिन जब आप ये चीज़ समझ जाते हैं ना कि ये नेचर है, डीएनए में ही कुछ प्रॉब्लम होती है इनकी, तो बहुत हद तक आपको ये समझ आ जाता है आपको इनको हैंडल कैसे करना है। अगर आप इनके साथ रहना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली नहीं कहूँगी आप रहिए, अगर आप रहना चाहते हैं तो हैंडल करना आपको आना चाहिए, नहीं रहना चाहते तो फिर जाने दीजिए, वो जैसे हैं उनको ऐसा छोड़ दीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा पॉलीगैमस है नेचर से, इनको नई नई रिलेशनशिप्स को, अगर ये लड़का है तो ज़्यादा लड़कियाँ, लड़की हैं तो दूसरे लड़के, इनको कॉन्स्टेंटली इनको मज़ा आता है ऐसे करते रहने में। और शायद इसी वजह से आपने जब इनको टोका होगा, इनको लगा होगा ये तो बहुत ही दकियानुसी इंसान है, पुराने ख्याल का इंसान है। और ऐसे लोगों का क्या होता है, खुद तो ये पॉलीगैमस होते हैं, ये आपको कभी भी पॉलीगैमस नहीं बनने देंगे। ऊपर से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी ये होती है, अगर आप इनको टीज करने के लिए भी, इनसे रिवेंज लेने के लिए थोड़ा ऐसा करेंगे तो ये आपके साथ किसी भी हद तक जाएंगे, मारपीट भी कर सकते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन इनको खुद से, ये नेचर से कभी कोई इश्यू नहीं लगता, इनको लगता है नॉर्मल है, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये तो नॉर्मल है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये डेफिनेटली इनको प्रॉब्लम रहता है। अब इनमें और थर्ड पार्टी का क्या हाल है इस वक्त, थर्ड पार्टी का मैं जो जहाँ तक देख सकती हूँ, थर्ड पार्टी किंग ऑफ सॉर्ड्स थर्ड पार्टी के लिए, तो थर्ड पार्टी अपने इमोशंस पे बहुत काबू रखे हुए है। ये नहीं कि उसको गलत नहीं लग रहा, उसको भी ये सब गलत तो लग रहा है, लेकिन अभी वो बातचीत करके उनको समझाते रहते हैं आपके पर्सन को कि उनको इनका ये सब करना पसंद नहीं है, वो ऐसा इनको फील करवा रहे हैं, इस बात को लेके इमोशनल हो जाता है वो थर्ड पार्टी जो लड़का है या लड़की है, और आपके पर्सन को समझाने की कोशिश भी करते हैं। उनमें ये वर्बल कम्युनिकेशन बहुत चलता है इस तरह का कि तुम मत करो, इससे मुझे तकलीफ़ होती है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, ऐसा कॉन्स्टेंटली करते हैं। और आपके पर्सन, मुझे जैसा कि दिख रहा है ना, ये इसके अलावा पॉलीगैमस तो है ही, लेकिन इसके अलावा शातिर भी बहुत हैं, जुबान से भी बहुत तेज़ हैं। ये सॉफ्ट वर्ड्स उनका आया है कि ये इस पर्सन को इस तरह से इसने ब्रेन वॉश करके रखा है ना, थर्ड पार्टी को इस तरह की कुछ बातें पढ़ाते सुनाते रहते ना, कि वो थर्ड पर्सन उनकी हर जो ये नेचर है, जब उनको पकड़ते होंगे रंगे हाथ या उनको पता चलता होगा, तो इस तरह की कहानियाँ बना देते होंगे ना कि वो बेचारा थर्ड पार्टी, इनफैक्ट वो ज़्यादा मुझे उस पर दया आ रही है, उसको समझ ही नहीं आता कि आपके पर्सन सही हैं या झूठे हैं। इस तरह की कहानियाँ वीव कर देते हैं, इस तरह की बातें बताते हैं, और इतने पक्के सबूतों के साथ कि ये सिचुएशन थी ना, इसलिए मैं वो पर्सन के साथ ऐसा मेरा हो गया था, मैं तुमको चीट नहीं कर रहा या नहीं करे, तो इस तरह की वो गेम्स खेल रहे हैं कि थर्ड पार्टी को खुद ही नहीं समझ आ रहा कि आपके पर्सन सच में ऐसे हैं या नहीं, लेकिन आपको अब पता चल गया ये बेसिकली पॉलीगैमस है, ये एक बंदे के साथ या बंदी के साथ खुश ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते। इमोशनली वो हो सकता है एक से ही अटैच रहेंगे लाइफ लॉन्ग, लेकिन कब उनके साथ कब अटैच रहेंगे, जब आप उनको वो छूट दे दें कि तुमको जो करना भी करते रहो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुम बख्शो, मुझे शांति से जीने दो। अगर आप इस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपके साथ ये हमेशा रहेंगे, आपसे प्यार भी करेंगे, आपको लगेगा प्यार ये क्या होता है, लेकिन ये आप नहीं समझ पाएंगे अभी, जो लोग इस दायरे से आगे हैं शायद मेरी बात को समझ सकते हैं। ये इमोशनली तो आपसे ही प्यार करते हैं, पर फिज़िकल लेवल पर ही काफ़ी लोगों को प्यार करते हैं, इन शॉर्ट मैं ये कहने वाली हूँ या ये कहना चाहती हूँ। तो इस बात को अगर आप आई है ऐसी आपकी रीडिंग तो मुझे सब बताना ज़रूरी है। अब इसमें से आपको जो सही लगे आपको करना है, उनके साथ आके बढ़ना है तो बढ़िए, नहीं बढ़ना तो नहीं बढ़िए, और अगर बढ़ना है तो उनको कैसे हैंडल करना है ये आपको समझ आना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा, आपको उनको या तो छूट देनी पड़ेगी कि आपको जैसे जीना है जियो, हाँ इमोशनली वो डेफिनेटली आपके अलावा किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो इस बात की अगर आपके दिल में तैयारी है तो ही आपको इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहिए। तो दिस वॉज द सिचुएशन बिटवीन द थर्ड पार्टी एंड योर पर्सन। इस तरह के हालात हैं थर्ड पार्टी और पर्सन में। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। अगर रीडिंग में आपको कहीं भी ऐसा लगा हो कि आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है, लेकिन जो कुछ भी आता है वो मुझे आपको बताना पड़ता है, आई कांट हेल्प इट। टेक केयर ऑफ योर सेल्स एंड वेट एंड वॉच
जो भी अच्छा आपके लिए होगा आपके साथ वही होगा. डोंट वरी अबाउट इट. ऑल द बेस्ट यू. लव यू मधुरा.